अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनर्श वर्ल्ड। आज मैं शेयर करने वाली हूँ रमज़ान स्पेशल चटपटे से आलू के स्नैक्स। उसके लिए हमें चाहिए 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप चॉप की हुई अनियन और इसे कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 लेमन जूस ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मसालों को जलने नहीं देना चाहिए। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप चॉप किया हुआ कैरेट ऐड करेंगे। 1/3 कप ऐड करेंगे कैप्सिकम चॉप किया हुआ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 4 से 5 मिनट तक इसे हम अच्छे से पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर रखकर। इसमें हम ऐड करेंगे 2 बॉईल किए हुए पोटैटोस ऐड करेंगे। मैंने ऑलरेडी इसे बॉईल करके रखा था। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून टमाटो सॉस ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम हरा धनिया इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे। इसे हम बोल में निकाल लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स 4 टेबलस्पून। ऑलरेडी मैंने 4 एग्स को बॉईल करके इसे कद्दूकस करके रखा था, वो हम इसमें ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे। चैट मसाला पाउडर 1 टीस्पून ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने ब्रेड क्रम्स ऐड किए हैं बाइंडिंग के लिए। जब आप इस तरह के बॉल्स बनाएंगे, तब अगर बॉल्स बनने में आपको परेशानी हो रही हो या फिर बॉल्स टूट रहे हो, तो वैसे में आप ब्रेड क्रम्स और थोड़े ऐड कर सकते हो। उसे अच्छे से मिक्स कर लेना। उसके बाद इस तरह के सारे सेम साइज के बॉल्स बना लेना। जब आप इस तरह के सारे बॉल्स बना लोगे, उसके बाद आपको ब्रेड क्रम्स में इस तरह से कोट करना होगा। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे स्टिक में इंसर्ट करके फ्रिज में रख दीजिए 1/2 आवर के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसे ऐसे ही शैलो फ्राई कर सकते हो। इस तरह से हमें स्टिक लेना है और इसे इंसर्ट करना है। अगर आपके पास स्टिक ना हो तो आप इस तरह के बॉल्स बना लीजिए, उसके बाद आप शैलो फ्राई कर सकते हो। लेकिन इसे हमें डीप फ्राई नहीं करना है, सिर्फ शैलो फ्राई करना है। अगर आपको इसे डीप फ्राई करना होगा तो सबसे पहले आपको मैदा और कॉर्नफ्लोर का स्लरी बना लेना चाहिए। उसके बाद इसे डिप करना है। उसके बाद ब्रेड क्रम्स से कोट करके इसे आप डीप फ्राई कर सकते हो। लेकिन अभी हम सिर्फ शैलो फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई करते वक्त आपको सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है। उसे गर्म होने के बाद इसे लो फ्लेम पे रखकर शैलो फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे रखेंगे तो ये जल जाएंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए शैलो फ्राई करते वक्त बहुत ही एहतियात से इसे शैलो फ्राई करना है, वरना ये टूट सकते और इसे बहुत ही एहतियात के साथ इस तरह से पलटना होगा और दोनों तरफ से अच्छे से इसे शैलो फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैं इसी तरह से सारे शैलो फ्राई करूंगी और मैं इसे निकाल लूंगी। ये देखिए, गर्मा गर्म बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में डालते ही घुल जाएंगे। बहुत ही मजेदार चटपटे से स्नैक्स बनकर रेडी हो चुके हैं। मैंने यहाँ इसे टमाटो सॉस के साथ सर्व किया है। आप चाहो तो मेयोनीज के साथ भी सर्व कर सकते हो। ये बहुत ही मजेदार होते हैं। आप भी इसे जरूर बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके स्नैक्स किस तरह से बने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सनर्श वर्ल्ड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक और न्यू वीडियो के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।